आज हम बात करने वाले हैं OIS एंड EIS के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। OIS के बारे में हम पहले बात करते हैं। OIS एक तरह का हार्डवेयर सॉल्यूशन है जो कैमरे के अंदर फिट होता है। इसकी वजह से हम अगर हम चलते हुए और अगर हम रहते हैं उसको बिल्कुल एकदम स्टेबल रखता है ताकि स्मूथ वीडियो बने बिल्कुल और बिल्कुल शेक ना करे। हम फोटो भी लेते हैं तो हल्के से ब्लर हो जाते हैं जब हम हिलते हैं, उसमें OIS नहीं होता तो उसकी वजह से वो ब्लर होती है। OIS उसको स्टेबल करता है और स्मूथ फोटो लेके। अगर हम नाइट में भी फोटो खींचते हैं जैसे अंधेरा होता है बिल्कुल, तो वहाँ भी OIS की बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि फ़ोटो स्टेबल रहे और हिले ना, क्योंकि अगर फ़ोन में OIS ना हो तो नाइट में आप अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो हल्की से ब्लर होएगी या क्लियर नहीं आएगी। OIS उसको स्टेबल करके और अच्छे से खींचता है जहाँ लाइट इफेक्ट हो। अगर हम फ्लैश लाइट के साथ खींचे तो अब स्टेबल हो सकती है, मगर उससे इतनी स्टेबल नहीं होगी जितनी OIS से स्टेबल होगी। OIS एक तरह का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर है जो मूविंग को स्टेबल करके वीडियो बनाता है और उसको स्मूथली सेव होती है। हम बात करते हैं EIS के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर के बारे में, जो कि एक तरह का सॉफ्टवेयर टाइप है। ये आपको मिड रेंज फ़ोन में भी पाया जाएगा और कहीं हाई रेंज में। कई जो फ़ोन्स होते हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर, मगर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर ज़्यादातर आपको बजट रेंज फ़ोन में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना ऑप्टिकल होता ना EIS होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर, तो वो ब्लरी आती है इसकी वजह से। फ़ोटो जो आपको मिड रेंज के फ़ोन मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर भी सेम काम करता है मगर वो एक सॉफ्टवेयर होता है, तो अगर जैसे हम एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो भी सेम प्रोसेस करेगा, फ़ोटो को स्मूथ कर देगा, मगर जैसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर है वो उसी टाइम साथ के साथ फ़ोटो खींच के क्लियर कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर वो थोड़ा सा टाइम लेता है, मिनी सेकंड लेता है, आपको पता भी चलेगा, इतना टाइम लेता है कि फ़ोटो स्टेबल हो जाए और आपको सेव फ़ोटो स्टेबल मिले, ब्लरी ना हो। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर ये काम जिसमें जायरोस्कोप वगैरह होगा जिस फ़ोन में, हम उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट से EIS डाल सकते हैं, मगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर OIS हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो एक तरह का हार्डवेयर है। तो OIS और EIS के बाद में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।